स्वागत है आपका ज्योग्राफी की अपनी इस पहली क्लास में। अभी तक आपने ज्योग्राफी को सोशल साइंसेस के एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक पार्ट के तौर पर पढ़ा है इन क्लास 11। नाउ दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक अलग, एक स्वतंत्र विषय के रूप में ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। दिस इज़ योर फर्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इस चैप्टर में हमें ज्योग्राफी की फ़िलोसफी, यानी ज्योग्राफी का जो दर्शन है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी विषय की शुरुआत कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, यानी ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, और किन किन चीज़ों को हम अपने सब्जेक्ट में शामिल रखते हैं, ये सब्जेक्ट के पढ़ने का हमें क्या लाभ है, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ा जाए, इस तरह से इसके विचारधारा से संबंधित, सब्जेक्ट की जो प्रासंगिकता है उससे संबंधित, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो रेलेवेंस है सोसाइटी को, उस सब्जेक्ट की जो ज़रूरत है, इसके संदर्भ में किसी भी सब्जेक्ट की फ़िलोसफी होती है। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, और ये फ़िलोसफी की बात करता है, फ़िलोसफी ऑफ ज्योग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। A very first question from from this chapter is why should we study geography? ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक पार्ट के तौर पर ही सही, ज्योग्राफी को थोड़ा आपने पढ़ा है क्लास 10 तक, तो उसकी बहुत सारे चैप्टर्स, उसकी बहुत सारे कंटेंट से आप पहले से परिचित हैं। यहाँ पर हम, मैंने जैसे पहले कहा कि एक इसकी फ़िलोसफी है कि इसे क्यों पढ़ा जाता है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। दिस सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट द नेचर एंड मैन रिलेशनशिप विद वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक शब्द है वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी बहुत सारे संयोजनों में जो नेचर और मैन का रिलेशनशिप है, पृथ्वी के ऊपर प्रकृति ने, नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं, और हम इंसानों की सभ्यता के आने के बाद से हमने जो चीज़ें उसके ऊपर बनाई हैं, इनके बीच का जो संबंध है, वही हमें अपनी धरती पर सब जगह पर दिखता है। चाहे आप नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक की यात्रा करें, आप ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी चले जाएं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग लक्षण आपको पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसमें नेचुरल जो फिनोमेना है वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो हमारे इंसानी हरकतें हैं, इंसानी जो हमारे अंतर क्रियाएं हैं, उनसे बनने वाले जितने भी स्वरूप हैं, हमें उनको भी पढ़ना होता है। इसलिए ज्योग्राफी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से आप देखते हैं कि पूरी धरती पर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आपके अपने देश में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप प्रदेश की बात करें, आप अपने ज़िले की बात करें, आप अपने कस्बे की बात करें जिस जगह पर आप रहते हैं, इवन अपने मोहल्ले की बात करें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वैरायटी दिख जाती है। चाहे आप पेड़ पौधों की बात करें, मिट्टी की बात करें, जितने भी फिनोमेना हैं, फिज़िकल एज वेल एज़ कल्चरल, उन सब में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। उस वैरायटी का कारण क्या है? मिट्टी, पानी और जो बाकी दशाएं हैं कृषि के लिए, वो सब दशाएं दो अलग अलग जगहों पर होने के बावजूद भी दो अलग अलग तरह का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग होता है। पहाड़ दो अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, लेकिन माउंटेन्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। किसी का ओरिजिन एक अलग तरह की प्रक्रिया से होता है, दूसरे तरह के पहाड़ अलग एक प्रक्रिया से बनते हैं। यानी बहुत सारी वैरायटी हमारे ग्लोब पर उपलब्ध है, और उस वैरायटी का स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंडस्केप की। नेचुरल लैंडस्केप प्योरली नेचर के जरिए बनाए गए हैं। हम माउंटेन्स को, रिवर्स को, प्लेट्यूज़ को, प्लेन, किसी की भी बात करें, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, हम उन्हें प्राकृतिक दृश्य भूमि कहते हैं। और क्योंकि इस प्रकृति में सबसे सक्रिय जो तत्व है वो मानवीय सभ्यता ही है, नो डाउट, और मानव ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से इस धरती के ऊपर बहुत सारे बदलाव किए हैं, और जो प्योर नेचुरल फीचर्स हैं, प्योर नेचुरल लैंडस्केप हैं, उनमें बहुत सारा बदलाव करके उसने उन्हें कल्चरल लैंडस्केप में तब्दील कर दिया है। कल्चरल लैंडस्केप क्या है, इसका उदाहरण समझें। जैसे नेचुरल लैंडस्केप में हम रिवर्स को, माउंटेन्स को देखते हैं, वैसे ही कल्चरल लैंडस्केप में इंसान की बनाई हुई जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, नदियों के ऊपर बने हुए पुल हों, पहाड़ों के अंदर बनी हुई टनल्स हों, रेलगाड़ियों के लिए बनाए हुए ट्रैक्स हों, सड़कें हों, भवन हों, वो सारे जो चीज़ें हैं, वो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। तो हमें
नेचुरल लैंडस्केप और ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ बनने वाले कल्चरल लैंडस्केप के बारे में इसे पढ़ना है। इसलिए ज्योग्राफी जानना आवश्यक है कि हमारी धरती पर इतनी सारी वैरायटी फिजिकल एंड एज वेल एज कल्चरल पार्ट पर हमें क्यों मिलती है। जब हम ज्योग्राफी शब्द की तरफ जाते हैं, दिस टर्म इज़ कॉइंड बाई अ ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थनीज, और इसीलिए कई बार बहुत सारे पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलता है फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये ग्रीक स्कॉलर के ग्रीक विद्वान थे। इसी प्रकार से जैसे कि हम हिस्ट्री के फादर के तौर पर, इतिहास के पिता के तौर पर हेरोडोटस को जानते हैं, वैसे ही एराटोस्थनीज भूगोल के पिता के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार एक पुस्तक लिखी और उसका टाइटल था ज्योग्राफिया। और ज्योग्राफिया शब्द जो उन्होंने पहली बार दिया, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आगे जाकर के डेवलप हुआ, इसीलिए हम इन्हें भूगोल के पिता के तौर पर या फादर ऑफ ज्योग्राफी के तौर पर जानते हैं। अब हम बात करें ज्योग्राफी शब्द की, तो ये बना है दो अलग अलग शब्दों से। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्रेफोस। जियो का अर्थ है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्रेफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी इज़ ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी का वर्णन है। और क्योंकि ये सारा वर्णन मानव केंद्रित है, ह्यूमन सेंट्रिक है, इसीलिए कई बार हम इस परिभाषा में ये भी जोड़ लेते हैं कि ये जो मानव का घर है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। यानी ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, एज अ अबोड ऑफ मैन। जैसा कि मैंने कहा कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें उनमें विकास होता रहता है, उसका विस्तार होता रहता है, वैसे ही ज्योग्राफी की जो परिभाषा है वो भी समय के साथ, जैसे जैसे सब्जेक्ट में नई नई चीज़ें जुड़ती गईं, उसकी परिभाषा भी इवॉल्व होती चली गई, विकसित होती चली गई। अगर हम बुक की ही बात करें तो आपकी अगली परिभाषाओं में, जो कि रिचर्ड हार्टशोन और अल्फ्रेड हेटनर जैसे दो बड़े विद्वानों के जरिए दी गई है, हम उसमें देखते हैं, जहाँ पर हमारी पहली परिभाषा में और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी का वर्णन है। इस वर्णन से आगे बढ़कर, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी मिलता है उसको लिख देना वो ज्योग्राफी है। उससे आगे बढ़ करके जैसे समय बढ़ता चला गया, हार्टशोन की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही एक्सप्लेनेशन पर भी जोड़ देते हैं, यानी कोई चीज़ है तो केवल उसका वर्णन नहीं, वो वहाँ पर है तो वो किस प्रकार से है उसकी डिटेल भी देना, उसके कारणों का पता लगाना भी, उसका एक्सप्लेनेशन देना भी आवश्यक है। यानी ज्योग्राफी की डेफिनेशन थोड़ी और वाइड हो गई, थोड़ी और विस्तृत हो गई। हेटनर की डेफिनेशन को हम देखें तो यहाँ पर वो स्पष्ट तौर पर जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर जो अलगाव मिलता है, जो विविधताएँ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट कहते हैं ज्योग्राफी को। और इन सारे डिफरेंसेस के कारण क्या हैं, व्हाट इज़ द कॉज, उसकी जो रिलेटेड फिनोमिनाज हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उन भिन्नताओं के कारणों के बारे में जानना, उन कारणों के प्रभावों को पढ़ना, ये ज्योग्राफी है। यानी ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो इराटोस्थनीज के पीरियड से, इराटोस्थनीज का जो समय था वो जीसस क्राइस्ट से लगभग 200 साल पहले का है, यानी आज के समय से लगभग 2200 साल पहले। तो ज्योग्राफी शब्द की जो उम्र है, ज्योग्राफी शब्द की जो एज है, हम मान सकते हैं कि लगभग 2200 साल इसको हो गए हैं एज ए ज्योग्राफी। अगर हम टर्म की बात करें, भारत की एक पुरानी सभ्यता है, यहाँ पर भी ये शब्द चलन में था, लेकिन हम उसे भूगोल कहते थे और शायद उसकी उम्र उससे भी ज़्यादा है। लेकिन जो क्योंकि अभी हम जितने भी स्टडीज़ करते हैं, मॉडर्न स्टडीज़, वो सभी जो हैं वो ऑक्सीडेंटल ओरिएंटेड हैं, यानी जो हमारा पश्चिमी दुनिया है उसके ही आधार पर हम इसका आकलन करते हैं। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम इराटोस्थनीज से शुरू हुई, और तब इसकी डेफिनेशन केवल डिस्क्रिप्शन पर थी, बाद में वो एक्सप्लेनेशन, कॉजेज, डिफरेंसेस, एरियल डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती जाती हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे विषय विकसित होगा, उस तरीके से हम परिभाषाएँ भी और विस्तृत और बेहतर तरीके से बनाएंगे, हम खुद ही उसे लिखेंगे। जब हम भूगोल में बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं कि वो क्या प्रश्न हैं जिनको लेकर के एक विषय विकसित होता है, खासकर अगर भूगोल की हम बात करें, तो देयर आर थ्री बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी डील्स विद। फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज वेयर, एंड थर्ड वन इज व्हाई। व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, और व्हाई यानी क्यों।
ये तीन मूलभूत प्रश्न हैं जो भूगोल को विकसित भी करते हैं और भूगोल की जो अध्ययन का मूल है, उसका जो उसका सार है, उसको भी बता देते हैं कि भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं, भूगोल हम किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी बहुत हद तक भूगोल के बारे में व्याख्या करने वाले ये तीन प्रश्न जो उसके साथ गहराई से जुड़े हैं, क्या, कहाँ और क्यों, ये तीनों ही प्रश्न अध्ययन की अलग-अलग विधाओं की अलग-अलग दिशाओं की बात करते हैं। जहाँ पर क्या है जब हम पढ़ते हैं, यानी व्हाट की बात करते हैं, तो हमारे धरती पर मिलने वाले जितने भी तरह के प्रतिरूप हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों फिनोमिनस को शामिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्वत की, अगर हम बात करते हैं पठार की, अगर मैदान की, डेजर्ट की, सारे नेचुरल फीचर्स हैं। अगर हम इंसानी बस्तियों की बात करते हैं, हम अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो सभी तत्व क्या हैं, नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल, ऑल दीज आर एलिमेंट्स, ऑल दीज आर फिनोमिनस जिनको हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ, जो दूसरा प्रश्न है, वेयर, वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी वितरण की, यानी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी में पढ़ा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, अपनी धरती के आकार के बारे में, अपनी धरती पर जो स्थितियां हैं उसके बारे में। तो हमारी धरती पर कोई भी जो तत्व जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा, व्हाट में जिसको हमने डील किया, वो कहाँ पर है, उसका वितरण कहाँ कहाँ तक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दिस इज़ एसोसिएटेड विद द सेकेंड क्वेश्चन वेयर, एंड द थर्ड वन वाई इज़ कंसर्न विद कॉज एंड इफेक्ट। जो तीसरा वाला जो प्रश्न है क्यों, वो बात करता है कारण और प्रभाव की। भूगोल में इसका बड़ा महत्व है, यानी किसी भी फेनोमेना के साथ उसका जो कारण है वो क्या है और साथ में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट, दिस इज़ कंसर्न विद द थर्ड बेसिक क्वेश्चन वाई। इसको पुस्तक में भी समझाया गया है, व्हाट बात करता है पैटर्न्स, द नेचुरल एंड द कल्चरल फीचर्स फाउंड ओवर द सर्फेस। सेकेंड वेयर, वेयर इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण की ये बात करेगा। और वाई जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बात करता है प्रोसेस की, यानी मैकेनिज्म की, कि कोई चीज़ किस तरीके से बनी है, कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है, कोई वस्तु है, वो कहाँ है और वो कैसे बनी है, ये तीनों प्रश्न हम भूगोल में मूल रूप से पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। भूगोल एक संकलनात्मक विषय के रूप में, समकलन जो शब्द है वो बना है सिंथेसिस से, समाकलन यानी साथ में जोड़ लेने से है, इंटीग्रेशन को हम इसके विलोम शब्द के साथ, इसके अपोजिट शब्द के साथ भी समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स आप उन चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, उनका विलगाव कर देते हैं, और इंटीग्रेशन में चीज़ों को साथ में ले आते हैं। जैसा कि नीचे दिए हुए डायग्राम में आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि ज्योग्राफी में हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की, चाहे उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट प्योर फिजिकल साइंसेस से जुड़े हुए हों, या फिर वो सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हों, हमारे सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हों, हम उन सब्जेक्ट्स को देखें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, तो चाहे वो विषय हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हों, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित हों, इन सबको मिला करके, इन सबको इंटीग्रेट करके, इन सबको समाकलित करके ज्योग्राफी एक साथ इकट्ठा करता है। हमने एक शब्द कहा सिंथेसिस, और जैसे हमने इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन समझा, वैसे सिंथेसिस के साथ एक और शब्द आता है एनालिसिस। सिंथेसिस का अर्थ है संश्लेषण और एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण करने के लिए, किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए, हम गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, उसके जो बहुत सारे उपविभाग हैं, यानी एक बहुत बड़ी सी कोई चीज़ हो और उसके विषय में हमें जानना हो, तो हम इसके छोटे छोटे खंडों में इसको तोड़ते हैं, इसके अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं और फिर इनको मिला करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार की है। जबकि सिंथेसिस में भी होता यही है, लेकिन वास्तविकता में सिंथेसिस में इसके सारे जो खंड हैं, वो सारे खंड अलग अलग होते हैं, और इन सारों खंड सभी खंडों को, सारे सेक्शंस को आप मिलाते हैं और उसको इंटीग्रेट करके, उसको सिंथेसाइज करके, उसको जनरलाइज करके आप इस अपनी बात कहते हैं। जहाँ पर एनालिसिस करने में, यानी विश्लेषण करने में आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, विशिष्टीकरण की बात करते हैं, उसी तरीके से सिंथेसाइज करने में आप सदैव जनरलाइजेशन की बात करेंगे, यानी सामान्यीकरण की बात करेंगे। अब हम अपने इस डायग्राम को समझें कि ज्योग्राफी को हम इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट किस प्रकार से समझते हैं। हमने बात कर ली किस तरीके से सोशल साइंस और नेचुरल साइंसेस को मिला देता है,
तो ज्योग्राफी की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ज्योग्राफी की डिफरेंट ब्रांचेज को जब आप देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जो अलग अलग विधाओं से संबंधित हैं, इनकी इनसे मिलने वाले जो हमें सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेज बनती हैं। ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी, और ये सीधे तौर पर एक प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है जिसे जियोलॉजी या भौमिकी कहा जाता है। आप बॉटनी की बात कर लें, वनस्पति विज्ञान है, इससे जुड़ा हुआ जो ज्योग्राफी का ब्रांच है दैट इज़ फाइटो ज्योग्राफी, ये वनस्पति भूगोल की बात करेगा। वैसे ही जूलॉजी है, जू ज्योग्राफी है, इकोलॉजी दैट इज़ ह्यूमन इकोलॉजी। जब आप सोशल साइंसेज में जाते हैं तो हिस्ट्री से जो कंटेंट लिया जाता है ज्योग्राफी, उसको हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के फॉर्म में पढ़ता है। जब आप सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पर सामाजिक भूगोल बन जाता है, यानी वास्तविकता में ज्योग्राफी धरती पर मिलने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करता है। ओवर द अर्थ, अंडर द अर्थ एंड एबव द अर्थ, एवरी थिंग इज़ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और क्योंकि सारे सब्जेक्ट धरती के ऊपर ही पढ़े जाते हैं, धरती पर ही पढ़े जाते हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट के कंटेंट्स हैं, सारे जो मटेरियल हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी विद देयर स्पेशल एस्पेक्ट। क्योंकि ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है, एक स्थानिक विज्ञान है, वो स्थानों के संदर्भ में अध्ययन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिस्ट्री समय के अनुरूप अध्ययन करता है, एक क्रोनोलॉजिकल सब्जेक्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करता है, समय आधार पर अध्ययन करता है, वैसे ही ज्योग्राफी अध्ययन करता है स्पेस की बेस पर। और इसी वजह से कई बार ज्योग्राफी को एक स्पेशल साइंस या स्थानिक विज्ञान का भी संज्ञा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल में उन तरीकों की जिससे भूगोल में अध्ययन किए जाते हैं, यानी अप्रोचेज। हिंदी में इसके लिए उपागम शब्द इस्तेमाल किया गया है। उपागम का अर्थ है तरीके या रास्ते। ज्योग्राफी को स्टडी करने के क्या रास्ते, क्या तरीके हो सकते हैं? देर आर टू बेसिक अप्रोचेज। फर्स्ट वन इज़ सिस्टमैटिक एंड सेकेंड वन इज़ रीजनल। पहला जो है वो क्रमबद्ध तरीका है और दूसरा तरीका है प्रादेशिक तरीका। इस स्लाइड के ऊपर आपको दो सज्जनों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र है ये सिस्टमैटिक अप्रोच से संबंध रखते हैं। इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये आधुनिक भूगोल के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। एक जर्मन स्कॉलर थे और इन्होंने विश्वभर में बड़े पैमाने पर भ्रमण करके, बहुत सारे सर्वे वर्क करके भूगोल के बहुत सारे मूलभूत सिद्धांतों को दिया था। और इन्होंने भूगोल में जिस विधा का या जिस तरीके का समर्थन किया कि भूगोल को किस तरीके से पढ़ा जाए, वो तरीका सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीका है। इस तरीके में हम बात करते हैं थीमेटिक या टॉपिक वाइज, यानी हम किसी एक विषय को चुन लेते हैं और उस विषय के आधार पर हम ये अध्ययन करते हैं कि वो जो तत्व हमने चुना है उस तत्व का विश्व के स्तर पर वितरण कैसा है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ही नेचुरल वेजिटेशन का है कि अगर कोई नेचुरल वेजिटेशन का स्टडी करना चाहता है तो पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है और ग्लोबल लेवल पर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ अ वे ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी। ये तरीका है क्रमबद्ध तरीका भूगोल को पढ़ने का। जब हमें प्रादेशिक यानी दूसरे वाले अप्रोच की बात करनी है तो दूसरे अप्रोच में प्रदेश को हम एक यूनिट बना लेते हैं, यानी वहाँ पर जब जहाँ जिस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच में टॉपिक हमारे स्टडी का यूनिट होता है, यानी यूनिट ऑफ स्टडी इज़ टॉपिक और थीम पर्टिकुलर, उसी तरीके से रीजनल अप्रोच में किसी रीजन का, किसी एरिया का हम चुनाव कर लेते हैं, एरिया स्पेसिफिक, और उस क्षेत्र में मिलने वाले जितने भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट हों, चाहे वो नेचुरल हों, चाहे वो कल्चरल हों, जब हम सभी का अध्ययन करते हैं तो वो तरीका रीजनल अप्रोच है। यानी वास्तविकता में ज्योग्राफी दोनों ही है, दोनों ही उस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो कि स्थानिक विज्ञान या ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस के तौर पर स्थापित करेगा, लेकिन केवल इनके तरीके, इनके रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग ही रखते हैं। दीज आर टू अप्रोचेस, सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की शाखाएं। हमने दोनों तरह के उपागमों की बात कर ली है, क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं, टॉपिक वाइज या थीम वाइज स्टडी करना, और रीजनल अप्रोच यानी कि प्रदेश के आधार पर अध्ययन करना। और इसके साथ
इन दोनों ही आधारों पर जब ज्योग्राफी के हम ब्रांचेस की बात करते हैं, उनके विभिन्न उपशाखाओं की बात करते हैं, तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है। हम इसके साथ ही बात करें। सबसे पहले हम बात करें ब्रांचेस की ज्योग्राफी की ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। जब हम सिस्टमेटिक अप्रोच पर यानी क्रमबद्ध आधार पर भूगोल को बांटते हैं तो दो मूलभूत इसके प्रकार हो सकते हैं। पहला भौतिक है यानी फिजिकल पार्ट, और दूसरा वाला ह्यूमन यानी ये कल्चरल पार्ट है। फिजिकल पार्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम प्राकृतिक तत्वों की बात करेंगे। आप इसे कंटिन्यू करके अगर आप आगे बढ़ें, जैसा कि आप ज्योग्राफी की छोटी क्लासेस की डेफिनेशन को याद करें, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि ज्योग्राफी बात करता है लिथोस्फीयर की, वो बात करता है एटमॉस्फेयर की, वो बात करता है हाइड्रोस्फीयर की यानी कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, और साथ ही साथ इन तीनों के मिलने के साथ जो एक नए तरह का मंडल का निर्माण होता है जिसे आप जीव मंडल कहते हैं, जीव मंडल जिसे इंग्लिश में आप बायोस्फीयर कहेंगे, यानी इन सभी का अध्ययन करता है, लिथोस्फीयर का, बायोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और बायोस्फीयर का। ये भौतिक तौर पर भूगोल की परिभाषा हो सकती है, यानी ये सभी कंटेंट जिनको हम इनमें से तीन, पहले जो तीन हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ऑल दीज आर अबायोटिक, और जो चौथा वाला है जो तीनों के मिलने से बनता है वो बायोटिक है, यानी कि जैव और अजैव सभी तरह के जो संघटक हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर भौतिक तौर पर मिलते हैं, ये सभी भूगोल की सिस्टमेटिक अप्रोच की शाखा में पहले स्थान पर आते हैं। भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो उसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे आपसे मैंने कहा कि लिथोस्फीयर है यानी स्थलमंडल, तो स्थलमंडल से संबंधित जो इसका उपशाखा है उसका नाम भूआकृति विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी। जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर इज़ कंसर्न विद द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो उससे संबंधित जो विषय है उसे हम कहते हैं ओशनोग्राफी। वहीं पर एक और तरह का विज्ञान है, ये धरती से ही जुड़ा हुआ विषय है और पूर्ण रूपेण ये अबायोटिक ही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भले ही है लेकिन ये अबायोटिक पार्ट है, सॉयल ज्योग्राफी हम इसे कहते हैं। और जब आप जीवन मंडल की बात करते हैं इस चौथे वाले सेक्शन की, तो ये चौथा वाला जो जीवन से संबंधित सेक्शन है हम इसके दो बड़े हिस्से बांट सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित, पहला वाला प्लांट ज्योग्राफी, देन जू ज्योग्राफी, और उसी से संबंधित इकोलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर बने हुए दूसरी शाखा की यानी मानव भूगोल की। मानव भूगोल में मानव समाज से जुड़ी हुई जितनी भी संरचनाएं हैं, उसका समाज, इंसानों की बस्तियां, उनकी जितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इंसानों की हिस्ट्री, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका गांव और शहरों का जीवन, उनकी सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कृषि भी आ जाएगी, उद्योग भी आ जाएंगे, पर्यटन भी होगा, तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स जो इसमें सहायता देते हैं, व्यापार और परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के जितनी भी सिस्टम हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं, ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट के तौर पर जाने जाते हैं। यानी बेसिकली सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पर ज्योग्राफी की दो पार्ट हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन। इस साल यानी क्लास 11th में हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, इसीलिए आपकी फर्स्ट बुक का नाम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, और वो सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करता है, टॉपिक वाइज स्टडी करेगा, और रीजनल अप्रोच, जैसा कि आपने पढ़ा कि दूसरा अप्रोच रीजनल अप्रोच होता है, प्रादेशिक उपागम होता है, तो प्रादेशिक उपागम के पर आधारित आपकी जो दूसरी पुस्तक है भारत के भौतिक पर्यावरण पर, वो बात करती है, यानी भारत वहाँ पर एरिया है, वो रीजनल अप्रोच पर आधारित पुस्तक है, और ये जो पहली पुस्तक है वो क्रमबद्ध उपागम पर यानी सिस्टमेटिक अप्रोच पर बेस्ड है। इसके अलावा आपके इस फ्लो चार्ट में कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे बीच में लिखे हुए उन दो और तत्वों की, दो और प्रकारों की, जिनकी चर्चा अभी हमने नहीं की। इसमें पहला है सिद्धांत या मॉडल्स या फिलोसफी। अभी हम ये चैप्टर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी में क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, क्यों पढ़ी जाती हैं, किस तरीके से विषय का विकास होता है, इन सब के बारे में, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं इसलिए ये जो विषय है ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट की फ़िलोसफी पर बात करता है, और ये भी ज्योग्राफी की एक ब्रांच है।
भौतिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट्स, ह्यूमन और नेचर इंटरेक्शन जो म्यूचुअल इंटरेक्शन के बीच में होते हैं उनके विषय में, डिफरेंट जो लेवल हैं यानी जैसे गांव का जीवन है, नगर के अंदर का जीवन है, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ का जीवन है, और उसके उसके बिल्कुल उलट जा करके अगर आप किसी घने वन में चले जाएँ तो वहाँ जो वनवासी जीवन होता है वो बहुत सारा अंतर है उनके बीच में। नेचर और इंसान के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर है। तो इस फिलोसफी को हम ज्योग्राफी के एक ब्रांच के तौर पर समझ सकते हैं। बेसिकली हम फिज़िकल और ह्यूमन की ही बात करते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। इसके साथ ही साथ आप बात करेंगे उन सभी मेथडोलॉजीज़ की, उन सभी टेक्निक्स की भी जो सब्जेक्ट में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे ज्योग्राफी अपने आप में बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है जब वो मैपिंग की बात करता है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल अवेलेबल इन आर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो मैपिंग, और मैपिंग की मैपिंग आप करते हैं उसके लिए आप सर्वे वर्क करते हैं, जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उनके लिए बहुत सारा क्वांटिफिकेशन मेथड्स अवेलेबल हैं। आजकल आधुनिक दौर में बहुत सारा ज्योग्राफी में जो मैपिंग भी है और एनालिसिस का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक बहुत अपग्रेड हो गया है। आप GIS, GPS और LIS की के विषय में कुछ हद तक जानते होंगे। GIS इज़ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, LIS इज़ लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इन सब के बारे में जब प्रैक्टिकल वाली बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। ऑल दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स यूजिंग इन ज्योग्राफी एंड एज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक एज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट अप्रोच, रीजनल अप्रोच। अगर हम बात करें प्रादेशिक उपागम की, तो प्रादेशिक उपागम में प्रदेश, क्योंकि मैंने कहा इसके अध्ययन का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्टडीज़ एरिया और स्पेस, तो यहाँ पर वो जो स्पेस या एरिया है वो कई स्तर पर हो सकता है। वो माइक्रो लेवल यानी काफ़ी बड़ा आकार का हो सकता है, वो मेसो लेवल यानी मध्यम स्तर का हो सकता है, वो माइक्रो लेवल यानी बहुत छोटे स्तर का हो सकता है। एरिया बेस पर जब आप डेवलपमेंट के प्लान्स बनाते हैं, प्रादेशिक विकास के लिए जो एनालिसिस की जाती है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, और वो योजनाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए हों या नगरीय क्षेत्र के लिए हों, ये सभी तरह की जो ब्रांचेज हैं ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। प्रादेशिक उपागम के बेस पर हम इस ज्योग्राफी को इन सभी हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके बाद बात आती है ज्योग्राफी के इस पहले चैप्टर के सबसे आखिरी विषय की, सबसे आखिरी उपशीर्षक की, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हमने ज्योग्राफी की सारे विषयों के बारे में जान लिया कि उसको हम क्यों पढ़ते हैं, उनमें क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है, कौन से उसके तरीके या उपागम हैं, उनकी कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, उसको इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट या मदर ऑफ ऑल साइंसेज क्यों कहते हैं। एक ये भी टर्म है, कई बार इस्तेमाल किया जाता है, ज्योग्राफी एज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज। उसको हम सभी विज्ञानों की जननी कहते हैं क्योंकि वो सभी विषयों को एक साथ समाहित कर लेती है, सब विषयों को एक साथ जोड़ लेती है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का महत्व क्या है। अगर हम इसके महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में ध्यान दें तो हम मोटे तौर पर इनको चार बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जितनी चीज़ें मिलती हैं वो हमारे लिए संसाधन हैं, हमारे उपयोग आने वाली चीज़ें हैं। तो कहीं पर कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, जब आप इसके बारे में सही सूचना रखेंगे तो आप उसका पर्याप्त मात्रा में दोहन कर सकेंगे, शोषण कर सकेंगे। मानवीय सभ्यता उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल तभी बेहतर कर पाएगी जब उसको ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सही हो, और ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नेचर के बारे में जो सब्जेक्ट देता है, जो ज्योग्राफी का जो ब्रांच देता है, दैट इज़ फिज़िकल ज्योग्राफी। इसलिए फिज़िकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की बात करें यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमें पृथ्वी पर जीवन किस तरीके से आया, विभिन्न रूपों में उसने किस किस प्रकार से अपना विकास किया, मानवीय सभ्यता कैसे आई, मानव के संबंध प्रकृति के साथ कैसे बदले, यानी जब हम उसकी केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम उसके एवोल्यूशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जब उसके बौद्धिक हिस्से की तरफ बात करते हैं, तो ये उसके विज्ञान वैज्ञानिक महत्व को भी बता देता है। यहीं पर बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की भी। रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो सब जगह पर एक बराबर नहीं है, संसाधनों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, तो ये जो वितरण है ये किस प्रकार से ज़्यादा सम्यक हो सके, जो विकास है उनके बीच में विषमताएं कम हों,
तो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर कम है उनके बीच में बैलेंस कैसे लाया जाए, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। और लास्ट में बात करेंगे डेवलपमेंट यानी विकास की। सभ्यता लगातार विकास करती है, लेकिन आजकल के दौर में हमें उस विकास की आवश्यकता है जो विकास टिकाऊ हो, जो स्थायी हो, जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार पढ़ा है। एक छोटी सी कहानी इसके विषय में मैं आपको सुनाता हूँ। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं अपने घरों और परिवारों में, और शायद उस पर उसका टीवी पर चलचित्रों में इसका चित्रण भी देखा होगा कि बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर राक्षसों की और देवताओं की सभ्यताएं रह रही हैं, और वो संसाधनों को लेकर के आपस में हमेशा झगड़े करती रहती हैं। सामान्य रूप से कहानियों में उनको हीरो और विलन्स के तरीके से दिखाया जाता है, वो आपस में युद्ध करते रहते हैं। वास्तविकता में अगर इस कहानी का अगर हम ज्योग्राफिकल एंगल देखें, एक अलग तरीके से उसको व्याख्या करने की कोशिश करें, तो ये दो अलग अलग तरह की सभ्यताएं थीं और वो आपस में संसाधनों को लेकर के लड़ रही थीं, संसाधनों पर कब्जे करने का प्रयास कर रही थीं। और इन दोनों ही सभ्यताओं में जिन्होंने अपना चरम पा लिया था, संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे करते करते संसाधन समाप्त हो जाते हैं, और संसाधनों के समाप्त हो जाने पर उनकी सभ्यता के अस्तित्व का संकट हो जाता है। वो सभ्यताएं टिकेंगी बचेंगी, ये एक गंभीर विषय हो जाता है। और वो जो आपस में शत्रु थे, आपस में लड़ रहे थे, संसाधनों के ख़त्म हो जाने से, जीवन के संकट में पड़ जाने से, वो साथ में हाथ मिला लेते हैं, राक्षस और देवता साथ मिल जाते हैं और वो समुद्र का मंथन करते हैं। क्योंकि उन्हें फिजिकल ज्योग्राफी की अच्छी जानकारी है, क्योंकि उन्हें इसका पता है कि रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है। जब धरती पर सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए हैं तो वो सिविलाइजेशंस आपस में मिल जाती हैं, जो आपस में घोर विरोधी हैं, और मिलजुल करके सागर से संसाधन निकालती हैं, जीवन जीने के नए रास्ते तलाशती हैं। आप इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स जानते हैं, धार्मिक महत्व की दृष्टि से नहीं, भूगोल में अपने विषय को समझने की दृष्टि से अगर इस कहानी को समझेंगे तो इसका यही महत्व है कि हमें अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को टिकाऊ बनाना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा। एक ऐसे दौर में जबकि हम मार्स पर और मून पर कॉलोनीज बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय में हम अपनी धरती पर जीवन कैसे बचाए रख सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझने और लागू करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपने नेचर को जानें, और नेचर की जो वैरायटी है उसके साथ समझने के लिए जो विषय आवश्यक है आपको पढ़ना, वो विषय है फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज़ द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ पुस्तक से बाहर भी है, पुस्तक की चीज़ें हमने शामिल करने का प्रयास किया है, पुस्तक के बाहर के भी कई सारे उदाहरण हैं आपको समझाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी एक छोटा सा विषय है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि कई बार जब आप क्लास 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ या मानविकी वर्ग चुनते हैं, उनके अलग अलग विषयों को, अर्थशास्त्र को, इतिहास को यानी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आपके मन में कई तरह की दुविधाएं होती हैं कि कोई विषय हम पढ़ रहे हैं, भविष्य में इसका जाने क्या स्कोप हो, कहाँ पर हम अपना स्थान बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो मैं अपने इस दूसरे सेक्शन में उसी पर बात करूँगा। अगर ज्योग्राफी में हम कैरियर की बात करें कि हम भूगोल में कहाँ पर अपना स्थान बना सकते हैं आने वाले समय में, तो भूगोल पढ़ने वाला एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक मानचित्रकार के तौर पर, कार्टोग्राफर के तौर पर अपना करियर बना सकता है। बहुत सारा सर्वे वर्क है जहाँ पर उसके लिए करने के लिए काम है, जो प्लानिंग की जाती है, नगरीय प्लानिंग यानी टाउन टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, एज ए प्लानर आपकी एक तरीका हो सकता है कि आप अपना वहाँ पर भविष्य तलाश सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बात की थी कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो सैटेलाइट के जरिए जुड़ी हुई हैं, तो सैटेलाइट से संबंधित जो विषय है रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है हमारे ग्लोबल लेवल पर, तो क्लाइमेट चेंज की एनालिसिस करने वाले एक एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक ब्रांच है आपके काम करने के लिए। हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पर जल की गुणवत्ता की जानकारी आप ले सकते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट के तौर पर आप मौसम का हालचाल बता सकते हैं। किसी आपदा प्रबंधन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने वाली भूमिका आपकी हो सकती है, या धरती का अध्ययन करने वाले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के तौर पर।
इसके अलावा बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र भी हैं जो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए उसके करियर बनाने में उसका योगदान दे सकते हैं, उसका सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।